हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आपसे अभी का टॉपिक की स्टडी में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये आपका जीके का एक ऑनलाइन टेस्ट है जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसमें जीके के 40% हैं जो कि करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस सभी अलग अलग सब्जेक्ट से लिए गए हैं। ये RPF, SSC, GD, UP पुलिस, ग्रुप डी सभी एग्जाम के लिए, फिर कोई भी अदर एग्जाम है उनके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप टॉपिक स्टडी सर्च करिएगा टेलीग्राम पर, तो आप ज्वाइन करके भी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आप टॉपिक स्टडी को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहे और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन का अपडेट मिलता रहे। और यहाँ पे देखिए, डेली ये 3 वीडियो अपलोड हो रही है यहाँ पे, करंट अफेयर की सुबह 7 बजे, रीजनिंग की दोपहर को 3 बजे और मैथ की शाम को 9 बजे। तो आप इन सभी वीडियोज़ को भी ले सकते हैं और इनका नोटिफिकेशन लेने के लिए नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुँचते रहेंगे। और देखिए दोस्तों, इन सभी एग्जाम के लिए ऑनलाइन टेस्ट भी अवेलेबल है, आप इनको परचेज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। 20 टेस्ट 120 रुपये में, 20 टेस्ट 199 रुपये में। RPF SI के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको लगा करके अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टेस्ट को। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आएगी, ये टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। इसमें कम टाइम में हम 40 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। मैं बिल्कुल आपको क्या बताऊँगा कि यहाँ पे क्वेश्चन आपको खुद पढ़ना है, आंसर कमेंट बॉक्स में देना है और मैं 10 सेकेंड बाद इसका राइट आंसर आपको बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे, जो भी ऑप्शन बी लगा रहे हैं, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए। बिल्कुल सही आंसर है, जो भी यहाँ पे ऑप्शन ए लगा रहे हैं, तो वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, अगर आपको ये टेस्ट पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, इस टेस्ट को शेयर भी ज़रूर करिएगा। वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर जो भी ऑप्शन बी लगा रहे हैं, तो बिल्कुल सही आंसर है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4, का राइट आंसर आपका बिल्कुल सही है, जो भी ऑप्शन बी लगा रहे हैं, तो वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम यहां पे आ जाते हैं और 5 का राइट आंसर क्या रहेगा आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वेरी गुड, 5वें का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या रहेगा। वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जो भी ऑप्शन सी लगा रहे हैं, तो बिल्कुल सही है। अगर आपको टाइम कम लग रहा है कि टाइम कम है तो वीडियो को आप रोक भी सकते हैं, बाकी अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ताकि मैं नेक्स्ट टेस्ट में आपको टाइम ज़्यादा दे सकूं। क्वेश्चन नंबर 7 का बताइएगा। बिल्कुल सही आंसर है, जो भी यहाँ पे ऑप्शन बी लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, और देखिए प्लीज़ आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा भाई, आपसे ये रिक्वेस्ट है मेरी। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आपका बिल्कुल सही है, जो भी ऑप्शन डी लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, और 10वें का राइट आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही जा रहा है, जो भी ऑप्शन सी लगा रहे हैं, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 11, 11वें का राइट आंसर,
तो 11वें का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, बिल्कुल सही आंसर है अगर आप यहाँ पे ऑप्शन ए लगा रहे हैं, सभी को पता है इसका राइट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 13, और यहाँ पे 13 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ पे आशा करता हूँ कि आपने सभी राइट आंसर कर रहे होंगे, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या रहेगा? तो 15वें का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, जो भी ऑप्शन बी लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16, जो भी आप चेंजेस चाहते हैं प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, मैं जरूर आपके सारे कमेंट पढ़ूंगा। 16 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, का राइट आंसर यहां पे हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 18 बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और 18 का यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 बताइए, नाइनटीन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, का राइट आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है, जो भी यहाँ पे ऑप्शन सी लगा रहे हैं। ये क्वेश्चन कई बार पहले आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं, और यहाँ पे आधा टेस्ट हो चुका है, आधा बिल्कुल बचा है आपका। 21 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है, 21 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 22, तो 22वें का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 23वां, बिल्कुल सही है, 23 का राइट आंसर आपका जो भी ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो राइट आंसर है। 24, ट्वेंटी फोर का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ट्वेंटी फाइव, तो अगर आप बिल्कुल टेस्ट यहाँ तक दे चुके हैं तो बिल्कुल एंड तक लगाइएगा, ताकि आप बता सके कि 40 में से आपने कितने अटेम्प्ट किए। ट्वेंटी सिक्स,
बिल्कुल सही है, 25 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, तो सी इज राइट आंसर। 26 का राइट आंसर क्या रहेगा? तो बिल्कुल सही है, आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। 26 का राइट आंसर आपका डी रहेगा। 27, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और इसका राइट आंसर रहेगा, जी बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा, एक तिहाई होनी चाहिए, तो बिल्कुल सही है जो भी ऑप्शन लगाया है यहाँ पे बी। 28 का बताइए राइट आंसर। ट्वेंटी एट का यहाँ पे राइट आंसर रहेगा जो भी ऑप्शन सी लगा रहे हैं, तो हाँ बिल्कुल सही है अगर आपने यहाँ पे ऑप्शन सी लगाया है। 29, बिल्कुल सही है, जो यहाँ पे ऑप्शन डी लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर बताइए, और इसके बाद आपके 10 क्वेश्चन रह गए हैं, तो प्लीज़ अगर आपने यहाँ तक टेस्ट लगाया तो बाकी का टेस्ट भी ज़रूर लगाइएगा। बिल्कुल सही है, 30 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 31, थर्टी वन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। 32, इसके बाद 8 क्वेश्चन और रह गए आपके। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन डी, ठीक है। 33 का राइट आंसर बताइए। तो ये क्वेश्चन भी देखिए इंपॉर्टेंट है, बाकी आप सभी को पता तो है ही, और ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ठीक है ना। तो 33 का ये बताना, मतलब आपको पता है बहुत अच्छी बात, अगर नहीं पता है तो पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा, ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे ऑप्शन बी जो भी लगा रहे हैं सब सही है। क्वेश्चन नंबर 35, 35वें का राइट आंसर बताइए। 35 35वें का राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। 36, और 36 का राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 37, तो यहां पे 37 का बिल्कुल सही आंसर है जो भी ऑप्शन सी लगा रहे हैं, ठीक है भाई। 38, का राइट आंसर क्या रहेगा? तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। 39 और 40, लास्ट टू क्वेश्चन है, दोनों का राइट आंसर बताइए। हाँ बिल्कुल सही है, 39 का राइट आंसर बी हो जाएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
और क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर बताइए। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। 40 का राइट आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आज का टेस्ट कैसा लगा आपको, जो भी इसमें चेंजेस आप चाहते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट कर दीजिए। और बाकी आप ये टेस्ट परचेज कर सकते हैं, जिनके लिंक सभी के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। ध्यान रखिएगा, आप इस कोड को भर के ही इसे 120 रुपये में ले सकते हैं, अदरवाइज़ वहाँ पे आपको जो प्राइस लिखा मिलेगा वो 149 लिखा मिलेगा, ठीक है। और ये 199 का है भाई, ठीक है। तो जो भी बच्चा परचेज करना चाहते हैं कर सकता है, प्रैक्टिस करिए। बिल्कुल भी मैं प्रेशर आपको बिल्कुल नहीं करूँगा, ज़्यादा बोलूँगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे फ़ायदा मेरा नहीं है, आपका फ़ायदा है। अगर आप टेस्ट को लगा लेते हैं तो आपको लगेगा कि 20 एग्ज़ाम मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, और 21वां आप अपना ओरिजिनल एग्ज़ाम जो होगा उसे देने जाएंगे, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपका हो जाएगा। बाकी आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं टॉपिक स्टडी के टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर डायरेक्ट आप सर्च करिएगा टेलीग्राम पे टॉपिक स्टडी, तो वहाँ पे भी आपको ये मिल जाएगा। और वहाँ से आप PDF डाउनलोड करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, जो भी आपके डाउट है वो पूछ सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर टेस्ट लगा है आपको, अच्छा लगा है, तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।